हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो अक्सर हम दही बड़े, समोसे, गोलगप्पे के साथ में सर्व करते हैं। और ये देखिए कितनी टेस्टी बनी है ये, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम इमली, जिसे मैंने 2-3 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या होगा, जो हमारी इमली है वो सॉफ़्ट हो जाएगी, उसका जो पल्प है वो आसानी से निकल जाएगा। यदि आपको इंस्टेंट बनानी है तो आप आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी या गर्म पानी में इमली को डाल दीजिए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब हमें करना क्या है, ये जो इमली है इसको अच्छे से मसल मसल के हमें इसका जो गुदा है उसे निकालना है, और ये जो रेशे हैं इन्हें हमें फेंकना है, और गुठलियों को भी हमें फेंकना है। ये मैंने इसमें से छान लिया है जितना भी पल्प था, और ये सारा वेस्टेज है, इसको अब हमें फेंक देना है। और अब हमें चाहिए थोड़ी सी किशमिश। काजू लिए मैंने यहाँ पे 8-9 काजू लिए थे, जिन्हें मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मगज़ लिए हैं, जो हमारे खरबूजे के सीड्स होते हैं। 300 ग्राम मैंने यहाँ पे चीनी ली है, और 2 पिंच मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, भुने हुए जीरे का पाउडर। और 2 पिंच हमने यहाँ पे ली है सौंठ, सूखी हुई सौंठ जो होती है उसका पाउडर ले लिया मैंने यहाँ पे। 2 पिंच मैंने यहाँ पे ली है हींग। 100 ग्राम मैंने यहाँ पे चीनी ली है, और 100 ग्राम जो है इमली है। यदि आप चाहें तो गुड़ से भी बना सकते हैं इसे, बट मैं गुड़ यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, मैं चीनी से बनाने वाली हूँ इसे। यदि आप गुड़ से बनाते हैं तो आपको गुड़ 150 ग्राम और 150 ग्राम चीनी लेनी है, या आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 ग्राम चीनी, 200 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बट हमें जो टोटल क्वांटिटी है मीठे की वो 300 ग्राम चाहिए। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे वाइट सॉल्ट लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ली है रेड चिल्ली। आप चाहें तो काले नमक की जगह आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने ये एक कढ़ाई ले ली है, इसमें अब हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। घी गर्म हो चुका है, और अब हम यहाँ पे काजू और जो मगज़ है दोनों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है मैंने, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे किशमिश को। हल्का सा हम किशमिश को भी रोस्ट कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, सिम आंच पर बिल्कुल। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हींग को। हींग को भी हल्का सा भून लेंगे। हींग भी भून चुकी है, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पल्प को। पल्प को भी ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे काला नमक, वाइट सॉल्ट और मिर्च को ऐड कर देंगे। सौंठ, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च के पाउडर को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मिलाएंगे इन्हें अच्छे से, आपस में अच्छे से मिलाना है इन्हें। जैसे ही उबाल आएगा इसमें हम चीनी को ऐड करेंगे। ये उबाल भी आ चुका है, और अब हम यहाँ पे चीनी को ऐड कर देंगे। मिलाएंगे अच्छे से, और अब हमें चीनी को मेल्ट होने देना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। यदि आप चाहें और अच्छे कलर के लिए यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई फूड कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मुझे परफेक्ट लग रहा है, मुझे कोई नीड नहीं लग रही है यहाँ पे कलर ऐड करने की। अब हम इसे बॉईल आने देंगे। ये देखिए ऐसे में ही बहुत सुंदर लग रहा है। ये चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, और ये देखिए अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, इतने देर तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए हमारी खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे।
एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये काजू यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, यदि आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और आप चाहे तो किशमिश ही किशमिश से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और बहुत ही टेस्टी बनी है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, और इसे आप 2-3 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, इसे साफ़ से जार में इसे भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कोई गीला स्पून ना लगाएं, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, पानी के टच में आते ही ये ख़राब हो जाएगा। और आप बनाइए इसे, इंजॉय कीजिए समोसे के साथ में, दही बड़े के साथ में, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।